हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिम्पल पवार आज ना आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ ना, वो एक फेस क्रीम है। जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस फेस पर डलनेस हो जाती है उनके लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों का सर्दियों में धूप में बैठने से कलर ब्लैक हो जाता है उसके लिए, क्योंकि जिसमें जो आज मैं चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो आपको, जैसे आप धूप में बैठते हैं तो उससे आपकी स्किन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये आपको यूवी किरणें होती हैं उनसे भी बचाएगी, क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत अच्छी है। साथ साथ आपकी स्किन पर अगर पहले से टैनिंग है ना तो उसे भी दूर करेगी। और दूसरा, इसमें जितनी भी इफेक्टिव वाली चीज़ें हैं फाइन लाइन के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ऑयल भी यूज़ करूँगी, एलोवेरा जेल डालूंगी इसमें मैं, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अब इसमें जो जो चीज़ें आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत असरदार है। इसलिए तो आज की रेमेडी शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज़ एवरीवन, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, बना रही हूँ आपके लिए, वो आपके साथ साथ किसी और को भी फ़ायदा मिले उस चीज़ का। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, तो आप किसी और के साथ शेयर कीजिए तो उन्हें भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले और मेरी भी मेहनत बेकार ना हो। तो प्लीज़ एवरीवन, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं आज की रेमेडी। आज की क्रीम के लिए हमें चाहिए, ये मैंने एलोवेरा जेल लिया है। ये मैं दोनों तरह का एलोवेरा जेल लूँगी, ग्रीन वाला भी और येलो वाला भी, क्योंकि ये प्लेन एलोवेरा जेल है और इसमें केसर और चंदन दोनों है, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ उसे। जब मेरी खुद होम जो भी मैं रेमेडी शेयर करती हूँ, जो मैं खुद अपने लिए बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नींव बचती है मेरे लिए, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। इसलिए तो आज मैं दोनों तरह का एलोवेरा लूँगी, इसलिए क्योंकि इसमें केसर चंदन है, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और एलोवेरा तो आप सभी को पता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत असरदार होता है। इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी आज बादाम का तेल। दूसरा इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं जैतून का तेल। अब जैतून का तेल इसलिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है फाइन लाइन के लिए, दाग धब्बों के लिए, पिंपल्स के लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही असरदार होता है। और बादाम का तेल तो सभी को पता है कि कितना इफेक्टिव होता है, क्योंकि बादाम में इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत असरदार होती हैं। इसलिए और इस्तेमाल करूंगी इसमें वीट रूट का मैं रस इस्तेमाल करूंगी इसमें। ये इसमें क्या होता है, वीट रूट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, तांबा, फास्फोरस, B1 B2, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सोडियम भी होता है, और इसमें जितना मात्रा में आयरन होता है ना, उस आयरन का फ़ायदा क्या है, अगर आप लोगों की स्किन ब्लैक पड़ गई है ना, तो आप जैसे धूप में बैठते हैं, आपकी स्किन ब्लैक है या आपको कलर फेयर करना है, आपका कलर बहुत ज़्यादा डल है, तो ये क्या होता है, ये आपकी जो भी स्किन की बिल्कुल अंदर की लेयर में जाता है और आपकी जो स्किन पर येलो मेलेनिन बन जाते हैं ना, तो उन्हें रिमूव करता है, और उन जो अगले बनते हैं ना, नए सेल्स बनते हैं, जो नए मेलेनिन बनते हैं स्किन पर, वो बिल्कुल रेड कलर के बनेंगे, पिंक बनेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका कलर नेचुरली फेयर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर अंदर जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है स्किन की, वहाँ तक पहुँच जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो कलर भी फेयर करेगा साथ साथ। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कटोरी में थोड़ा सा, ये मैंने जैतून और बादाम के तेल को थोड़ा सा डबल बॉयलर गरम किया है, इसलिए क्योंकि थोड़ा गरम होगा तो आसानी से मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा गरम किया है, जैतून और बादाम के तेल को डबल बॉयलर, मतलब एक कटोरी में आपको पानी गरम करना है, बड़ी कटोरी में, जिसमें कि ये कटोरी आराम से आ जाए, उसके अंदर आपको इस कटोरी को रखना है, और आपको इसमें कम से कम दो चम्मच के करीब इसमें जैतून का तेल और बादाम का तेल डालना है, और इसमें हम लगभग एक चम्मच के करीब हम इसमें, एक चम्मच या डेढ़ चम्मच के करीब हम इसमें, जो मैंने ये ऑलरेडी इसे कस के रखा हुआ है, आप इसे कद्दूकस कर लेंगे तो उससे इसका रस आसानी से निकल जाएगा, आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो इसको क्या करना है, फिर हमें इसका रस निकालना है। अभी देखिए इसका रस कम से कम एक डेढ़ चम्मच के करीब इसका रस निकालेंगे हम इसमें। ये देखिए ये एक चम्मच के करीब हो गया है ये, क्योंकि तेल में अलग ही बीटरूट का रस है, वो अलग ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं जिससे कि और अच्छा कलर आए क्रीम का, क्योंकि बीटरूट बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, खाना भी बहुत अच्छा होता है, खाने से तो सभी को पता है कि आयरन की कमी पूरी होती है, लेकिन स्किन पर लगाना भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए अभी देखिए मैंने इसका लगभग दो चम्मच के करीब ये रस निकल गया है इसका। अभी से पहले ऑयल में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीटरूट को।
देखिए ऑयल में हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, क्योंकि जैसे हम इसे बीटरूट को इसमें फेटेंगे ना, तो ऑयल थोड़ा हमारा गर्म है, तो ये ना जब तक जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे आएगा ना, तो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी ऑयल में ये, इसलिए देखिए हमने बहुत अच्छे से इसे फेटना है। इतना फेटना है कि ऑयल और जो वीट रूट का रस है ना, बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाना चाहिए। अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ नज़दीक से, ये पूरा ऑयल में इसमें मिक्स हो गया है वीट रूट का रस। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एक चम्मच हम लेंगे ग्रीन वाला एलोवेरा, और एक चम्मच ही हम लेंगे येलो वाला एलोवेरा। ये दो चम्मच मैंने तेल लिया था, जिसमें मैंने एक चम्मच बादाम का तेल और एक चम्मच जैतून का तेल लिया था। मैं आपको दोबारा इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ आपको कितना कितना लेना है। एक चम्मच जैतून का तेल, एक चम्मच बादाम का तेल, इसमें दो चम्मच आपको वीट रूट का जो रस है वो लेना है, और एक चम्मच ही आपको येलो वाला एलोवेरा लेना है, और एक चम्मच ही आपको ग्रीन वाला एलोवेरा लेना है। अब इसे बहुत अच्छे से हमें फेटना है, क्योंकि जब हम इसे जितना इसे हम फेटेंगे ना, तो ये क्रीम फॉर्म में आता चला जाएगा। क्योंकि ऑयल जो बीट रूट और एलोवेरा लिया है ना, इसे आप जितना फेटेंगे ना, ये एकदम जेल फॉर्म में और थोड़ा थोड़ा क्रीम फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद, इसलिए कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से फेटना है। बहुत असरदार, बहुत ही अच्छी क्रीम है ये। धीरे धीरे जिन लोगों को बाउंसी चिक्स पसंद है, यानी कि जिन लोगों को लगता है कि हमारे चिक्स रेड होने चाहिए, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को कलर फेयर करना है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है ना, बहुत असरदार है। आप इसे डे नाइट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैतून का तेल, आप अगर आप धूप में भी जाते हैं जैतून का तेल लगा के, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है स्किन पर। ये यूवी किरणों से भी बचाता है, क्योंकि बादाम और जैतून का तेल, एलोवेरा, सब चीज़ें इसमें, चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें मैंने ऐसी ली हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत असरदार है। आप कैसे भी इसे यूज़ कीजिएगा डे नाइट, बहुत अच्छी है ये क्रीम। अभी मेरा ऑयल थोड़ा गर्म है ना, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा गर्म किया था बीटरूट का रस मिलाने के लिए। आपको हल्का सा ऑयल को डबल बॉयलर में गर्म करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा बीटरूट उसमें, और जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा ना, ये एकदम ये गाढ़ा होता चला जाएगा, और ये एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा ये।